जब हम हुकूमत को देखते हैं तो झूठ और धोखे के अलावा कुछ दिखता नहीं। इससे पहले भी हमने हुकूमतें देखी हैं, गवर्नर राज देखा था, चाहे वो गवर्नर एनएन वोहरा थे, चाहे गवर्नर सिन्हा थे, चाहे गवर्नर सक्सेना थे, चाहे गवर्नर जगमोहन भी थे, लेकिन इस तरह की हुकूमत हमने नहीं देखी जहां झूठ और धोखे के अलावा लोगों को कुछ नहीं मिलता। हर लिहाज से आज लोग जो है वो परेशानी के शिकार है। मेरे साथियों ने जिक्र किया, अगर हम गिनना शुरू करें लोगों की परेशानियां तो पूरा दिन गिनते गिनते निकल जाएगा। शुरू करें तो बिजली से, जिसका कोई नामो निशान नहीं, दिन में 10-10, 12-12 घंटे कट। कहा जाता है कि शेड्यूल के मुताबिक बिजली दी जाएगी। यहां जब लोगों को कहा जाता है कि आप घर में मीटर लगाओ, मीटर लगाने के बाद कट नहीं होगा, तरह तरह के नए मीटरों का इंतजाम होता है, देहात में कम शहर में ज्यादा, लेकिन बिजली का नाम निशान नहीं। बिजली का बिल जो है आसमान छू रही है। पहले तो 100 रुपए में बिजली का होता था, हजारों में बिजली का बिल आता है, लेकिन बिजली कहीं नहीं। जहां हम बिजली की बात करते हैं वहां मजबूर होते हैं फिर राशन की बात करते हैं। राशन कार्ड हमारे बने हुए हैं लेकिन राशन कार्ड में आज राशन नहीं होता। चावल मुश्किल से फर्क फर्क अगर मिले भी कोटा तो 5 किलो से ज्यादा है। हमें कहा जाता है चावल छोड़ो आटा ले लो। अब इस हुकूमत को कौन समझाए कि हम रोटी खाने वाले लोग नहीं है। बेशक चाय के साथ हम रोटी का एक पीस खाते हैं, लेकिन जब खाना खाने बैठते हैं तो हमें चावल चाहिए होता है। हमें आपके आटे से कोई मतलब नहीं, आप आटा अपना ले लो पहाड़ के उस तरफ बढ़ा, हमें चावल का कोटा हमें बढ़ा के हमें यहाँ चावल खाने के लिए दे दो, लेकिन चावल हमें मिलता नहीं। मजबूरन हमें जेब से पैसा निकाल के फिर दुकानों के पास जाके वहां से चावल खरीद के फिर घर में पकाना पड़ता है, हुकूमत से हमें मिलता नहीं। चाहे बीपीएल हो, चाहे एपीएल हो, चाहे जो भी हो, राशन कार्ड अब इन्होंने सिर्फ सजावट के तौर पर रखे हैं, मिलता हमें वहां से कुछ नहीं है। 2019 के बाद हमें कहा गया था कि बस हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हमें कहा गया था कि कश्मीर में अगर बंदूक है तो 370 की बदौलत, अगर कश्मीर में अलग सोच रखने वाले लोग हैं वो सिर्फ 370 की बदौलत, अगर 370 हटा तो यहाँ हम बंदूक से भी नजात हासिल करेंगे और यहाँ सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अभी हफ्ता नहीं हुआ, इसी इलाके में पिछले दिनों एनकाउंटर हुआ, 5 लोग उसमें मारे गए। हुकूमत ने कहा ये मिलिटेंट थे, जब उसमें देखा कब बने, 4 उसमें 2020 में बंदूक पकड़ने वाले थे, 1 उनमें से 2021 में, मतलब उनको 2 साल भी नहीं हुआ। अगर बने तो 2019 के बाद बने, तो फिर कहां पे वो बात कहने के लिए, तो आपने कहा कि 2019 के बाद यहां कोई बंदूक उठाने वाला नहीं होगा, सब मुतमाइन होंगे, सब खुश होंगे। अगर ये बात सही है तो जो ये 5 मिलिटेंट मरे ये क्यों बने, इन्होंने बंदूक उठाया क्यों? कहीं ना कहीं इसमें आपकी नाकाबिलियत, कहीं ना कहीं इसमें आपका धोखा है। न सिर्फ आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखा दिया, आपने पूरे मुल्क के लोगों को धोखा दिया। मुल्क के लोगों को कहा गया था कि कश्मीर में बस अब अमन होगा, चैन होगी, यहां कोई मुश्किल ही नहीं होगा, हालात बिल्कुल सुधर जाएंगे, नहीं हुआ। बेरोजगारी, आज भी हमारे नौजवान जो है बेरोजगारी के खात्मे के लिए रोज दुआएं करते हैं। आज भी हमारे नौजवान पढ़ लिख के मजबूर घर बैठे हुए हैं क्योंकि रोजगार का कोई उनको जरिया नजर नहीं आता। और ये वही नौजवान है जिनको 2019 में कहा गया था कि बस आपके रोजगार में रुकावट ये नेशनल वाले हैं, ये गए रो
रोजगार आपका आ जाएगा। नौजवान से कहा गया था कि घर बैठे बैठे आपको रोजगार के ऑर्डर मिलेंगे, वो दिन और ये दिन कहां वो रोजगार के ऑर्डर। जम्मू कश्मीर पुलिस में आज कम से कम 5,500 पोस्ट खाली। जिस तरह मेरे साथियों ने कहा आंगनबाड़ी सेंटर बने हुए हैं, हमारी बहनों को उनमें जगह नहीं मिल रही। रूरल डेवलपमेंट की नौकरियां है उनमें कोई लगाने वाला नहीं, कोई महकमा नहीं है जम्मू कश्मीर हुकूमत का जिसमें आज पोस्टें खाली नहीं है, लेकिन भरने का काम नहीं होता। और जहां पर लिस्टें निकलती है वहां पर धांधली होती है, वहां पर रिश्वत देने देने का साफ काम हो जाता है, वहां पर फिर इंक्वायरी बिठाई जाती है और वो सिलसिला वहीं का वहीं हो जाता है। और परेशान कौन होता है? हमारा नौजवान भाई। परेशान कौन होता है? हमारी नौजवान बहन, जो आज भी रोजगार के ऑर्डर के लिए दर बदर के ठोकरे खाते हैं, जिनको आज भी खतरा है कि कल खुदा न खास्ता मैं रोड रेज हो जाऊं और मेरे पास रोजगार का कोई जरिया रहेगा नहीं। इसी के साथ साथ हमारे एसटी भाई बहने, इनके मुताबिक में कौन सी कमी आई? अपना गुजारा ये जंगल की पैदावार से करते थे, माल मवेशी पालने वाले लोग, जंगल में भी इनका जो हक था वो भी इनसे छीना गया, जो रोजगार का इनको हक था वो भी इनको मिला नहीं, जो एसटी फंड के तहत इनकी मदद होती थी उस एसटी फंड का भी सही इस्तेमाल नहीं, और इनसे बात करने वाला आज कोई तैयार नहीं। हमारे हुकुमरान जो है वो तस से मस नहीं, आते हैं बैठते हैं निकल जाते हैं, सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता। मामूली सी बात, सुभाषनामा यहां पढ़ा नहीं गया लेकिन गौर से हमने उसको देखा, कई सारी बातें उसमें आई, लेकिन शायद सबसे अहम मुतालबा जो यहां पे उसके उसमें डाला गया वो यहां लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के लिए, पानी आपका, उस पानी पे हक आपका, मांगते आप सिर्फ लिफ्ट इरिगेशन स्कीम हो। ये लोग कहते हैं ग्राम की तरक्याती काम ही हो रहे हैं, मरकज से पैसा आ रहा है, इस्तेमाल हो रहा है यहाँ के लोगों के लिए, लेकिन जमीनी सतह पे वो नजर नहीं आता, कहीं पे उसका असर रसूख नजर नहीं आता। मैं मजबूर हो रहा हूँ पूछने, चाहे हमारे एलजी साहब हो, चीफ सेक्रेटरी साहब हो, बाकी अफसर हो, ये जो मरकज का पैसा आप कहते हो ला रहे हो ये इस्तेमाल कहां पे हो रहा है? आखिरकार चलिए ना, हमारी हुकूमत नहीं है, कहीं ना कहीं तो आपकी हुकूमत और लोगों के दरमियान फासला जो है वो बढ़ गया है। क्या मजबूरी है कि लोग हमें सुभाषनामा दे रहे हैं, हमसे लिफ्ट इरिगेशन स्कीम मांग रहे हैं? हमें तो हुकूमत छोड़े हुए आज 9 साल हो गए, इलेक्शन तो कहीं नजर नहीं आ रहे, यहां तो पंचायतें भी खत्म हो गई, म्यूनिसिपैलिटियां भी खत्म हो गई, एमएलए तो गए हुए 5 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन आज भी लोग जब मांगते हैं तो हमसे मांगते हैं क्योंकि आपके पास ये कॉन्स्टेंट पहुंच नहीं पाते। और इंशाल्लाह मेरा वादा आप लोगों से है, इलेक्शन से ही हमेशा के लिए भाग नहीं सकते, कल नहीं तो परसों नहीं तो तरसों इनको इलेक्शन कराने ही होंगे, और इंशाल्लाह इलेक्शनों में जीत आपकी होगी, जीत के धन के निशान की होगी, चाहे वो आपका लिफ्ट इरिगेशन हो, चाहे नौजवानों के रोजगार की बात हो, चाहे हमारे एसपी भाइयों के संग्राम के हक की बात हो, चाहे आपके राशन की बात हो, चाहे आपके बिजली की बात हो, चाहे हमारे वकार की बात हो, हमारी पहचान की बात हो, हमारी इज्जत की बात हो, इंशाल्लाह इन सब चीजों का इलाज करके हम आपको यहाँ पे नक्शा ठीक करके दे देंगे।